हेलो अमेजिंग पीपल, वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज बहुत ही खास तरह के वर्ड सीखने वाले हम लोग, जो नेटिव स्पीकर्स अंग्रेज लोग अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये वर्ड्स अपने यहाँ कम यूज़ होते हैं, इसलिए इनको सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम किसी भी मौके पर कहीं पर भी हर तरह की इंग्लिश बोल सकें। इसके लिए दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं यूनिक वर्ड्स, अनोखे वर्ड्स, कमाल के वर्ड्स। एक एक करके बताता हूँ। पहला जो वर्ड है दोस्तों, ये दो वर्ड्स का ग्रुप है, ये है सूप किचन। सूप किचन का मतलब क्या होता है? ऐसा किचन जिसमें सूप बनता हो? नहीं, ये मीनिंग नहीं है। तो इसकी क्या मीनिंग है दोस्तों? बहुत ही कमाल की मीनिंग है, अमेजिंग मीनिंग है। वो मीनिंग क्या है दोस्तों? अ सूप किचन इज अ प्लेस वेयर फ्री फूड इज गिवन टू पीपल विद नो मनी और होम्स। ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं होते, घर नहीं होता, जो बेघर होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, उनको अगर कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा किचन है जो उनको खाना देता हो, उनको भूखे लोगों को खाना खिलाता हो बिना पैसे के, ऐसी जगह को सूप किचन कहते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर किसी शहर में ऐसा सूप किचन नहीं है जहाँ गरीबों को इस तरह से मुफ्त में खिलाने का इंतजाम नहीं है, तो वहाँ के लिए कहा जाएगा देयर इज़ नो सूप किचन इन दिस टाउन, कि इस टाउन में एक भी सूप किचन नहीं है, यानी इस टाउन में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता हो। तो दोस्तों सूप किचन का मतलब है ऐसी जगह जहां गरीब लोगों को, बेघर लोगों को मुफ्त में बिना पैसे के खाना खिलाया जाता हो। हम सब लोगों को समाज का नागरिक होने के नाते अगर हम चाहें तो इस तरीके से कुछ लोग आपस में मिलकर कुछ पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करके एक सूप किचन चला सकते हैं। अगर हर शहर में एक कमेटी बन जाए जो इस तरह के सूप किचन चलाए, तो कितने गरीब लोगों का भला होगा। ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं होता, उनको कम से कम जिंदा रहने के लिए सूप किचन का सहारा मिल सकता है। दोस्तों इस पर सोचने की ज़रूरत है, हम और आप चाहे तो हम सब लोग मिलकर के इसकी एक शुरुआत हम कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है दोस्तों सस। सस ये भी नेटिव स्पीकर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपने यहाँ लोग इस्तेमाल नहीं करते। इसका मीनिंग क्या है? इसकी जो मीनिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मीनिंग है दोस्तों सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब है संदेहास्पद, जिस पर संदेह हो, जिस पर शक हो, इसको बोलते हैं सस, जो संदेह से भरा हुआ हो। तो दोस्तों सेंटेंस में कैसे यूज होगा? सेंटेंस में यूज होगा दोस्तों, कोई कह रहा है किसी के बारे में इट्स अ लिटिल सस, कि ये इसका मीनिंग हुआ इट्स अ लिटिल सस्पिशन, यानी ये थोड़ी सी संदेहास्पद बात है। क्या, कौन सी बात संदेहास्पद है? इट्स अ लिटिल सस दैट ही विंस ऑल द गेम्स, कि ये वो हर गेम जीत जाता है, ये बड़ी संदेहास्पद बात है। क्या बात है, आखिर कहीं कोई मैच फिक्सिंग तो नहीं है? इस तरह से कोई अपनी अपने संदेह को जाहिर कर रहा है कि कोई कैसे हो सकता है वो अपनी मेहनत से ही जीत रहा हो, आदमी अपने टैलेंट से जीत रहा हो, लेकिन कई बार इस तरीके से मन में संदेह पैदा हो जाता है, तो उस बात को इस तरीके से कहा जाएगा। तो सस का मतलब है दोस्तों सस्पिशियस, यानी संदेहास्पद। तो ये नेटिव स्पीकर्स यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड्स, अपने यहाँ यूज़ नहीं करते लोग, लेकिन हमको पता होना चाहिए जिससे कि हम इंटरनेशनल लेवल की इंग्लिश कहीं पर भी लिख सके, बोल सके और समझ सके। उसके बाद दोस्तों लिक, अब ये कमाल का वर्ड है। लिक का एक मीनिंग तो होता है चाटना, जैसे चाटते आइसक्रीम वगैरह को चाटते, उसको लिक बोलते हैं, वो मीनिंग तो हम सबको मालूम है। मैं आपको एक दूसरी मीनिंग बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं, और वो है दोस्तों इसका मीनिंग है, देखिए म्यूज़िक की फील्ड का ये वर्ड है, इसकी मीनिंग है अ शॉर्ट सीरीज ऑफ नोट्स। जैसे कोई गाना होता है ना, तो कुछ खास देर तक कुछ नोट्स बजते हैं जो बड़े सुंदर लगते हैं सुनने में या बहुत ही कमाल के होते हैं, तो वही है दोस्तों शॉर्ट सीरीज ऑफ नोट्स प्लेड बाय वन म्यूजिशियन। अगर कोई म्यूजिशियन, किसी ने कोई गाना बजाया पूरा का पूरा, कोई म्यूजिक बज रहा है, तो उसमें कुछ खास ऐसे नोट्स होंगे और वो छोटे नोट्स होते हैं जो थोड़ी देर तक बजते रहते हैं और उसके बाद फिर से दूसरा म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है, तो इन्हीं को कहते हैं, ये जो पूरी सीरीज है नोट्स की, इसको लिक कहते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? मान लेते हैं कोई किसी से कह रहा है कि क्या तुम ये बजा सकते हो, ये पूरा कर सकते हो, ये जो लिक है यानी इतनी देर का ये जो म्यूज़िक है, ये जो कुछ खास तरह के नोट्स हैं, क्या तुम इसको पूरा कर सकते हो? तो वो पूछेगा उससे कैन यू फिनिश दिस लिक। ये सेंटेंस बहुत पॉपुलर है अंग्रेज़ों में और बहुत ज़्यादा वो लोग बोलते हैं इसको, कैन यू फिनिश दिस लिक। मान लेते हैं किसी को कोई गिटार बजाना सीख रहा है या उसको गिटार बजाना आता है, तो उसको एक किसी बहुत अच्छे सॉन्ग का, जिसमें कि थोड़ी देर के लिए एक अलग तरह से गिटार बजा हुआ है, कुछ खास तरह के नोट्स बजे हुए हैं, तो कोई अपने एक फ्रेंड, अपने गिटार वाले फ्रेंड से पूछ रहा है क्या ये लिक तुम फिनिश कर सकते हो, क्या यानी ये लिक इतनी देर तक बजा सकते हो, ये जो खास तरह का म्यूज़िक है, तो इस तरीके से पूछना चाहिए कैन यू फिनिश दिस लिक। तो लिक है दोस्तों शॉर्ट सीरीज नोट्स का, एक खास तरह के म्यूज़िक का। उसके बाद दोस्तों रिफ, देखिए ये भी म्यूज़िक की दुनिया का वर्ड है।
और ये भी इसकी भी बहुत कमाल की मीनिंग है। इसकी मीनिंग क्या है? अ ट्यून, एक धुन। कौन सी धुन? अ ट्यून दैट कंटिन्यूज, एक धुन जो अक्सर रिपीट होती है, मतलब अक्सर नहीं लगातार रिपीट होती रहती है, और अपीयर्स रेगुलरली, जो लगातार नियमित रूप से किसी गाने में, किसी भी पीस ऑफ म्यूजिक में, किसी गाने में एक ऐसी धुन होती है जो बार बार रिपीट होती है। हिंदी गानों में वैसा होता है, इन अ पीस ऑफ म्यूजिक वाइल अदर पार्ट्स चेंज। जैसे कोई गाना बज रहा है या कोई भी म्यूजिक का पीस बज रहा है, उसमें बाकी तो धुन जो है वो बदलती रहती है, शब्द बदलते रहते हैं, लेकिन एक खास तरह का म्यूजिक है जो बार बार रिपीट होता है। जैसे कोरस में, जैसे सामूहिक गान जब करते हैं, जब कोरस गाते हैं लोग, या जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतरा, अंतरा जब गाते हैं, तो आप देखेंगे कि आप एक 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 खास तरह की धुन जो बार बार रिपीट होते हैं। भजनों में भी ऐसा होता है, कोई भजन है अगर, तो उसमें भी एक खास हिस्सा बार बार रिपीट होता है, होता है ना, उसी को कहते हैं दोस्तों रिफ। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल है बड़ा अच्छा सा, कि द सॉन्ग हैज़, किसी सॉन्ग के बारे में कहा जा रहा है, द सॉन्ग हैज़ लॉन्ग गिटार रिफ्स, यानी कि ये जो गाना है इसमें गिटार का के बहुत सारे रिफ्स हैं, यानी वो खास म्यूजिक जो बार बार रिपीट होता है, तो वो गिटार से किसी ने बजाया है और वो रिफ बार बार गाने में रिपीट हो रहा है, और यही बात कोई किसी को बता रहा है कि इस गाने में गिटार के रिफ्स बहुत सारे हैं, यानी बार बार गिटार का रिफ, यानी वो खास तरह का म्यूजिक बजता रहा है। अगला जो टर्म है दोस्तों, ये भी म्यूजिक का ही है, और ये है जैम। एक तो दोस्तों जैम लग जाता है, ट्रैफिक जैम, जिसको हिंदी में जाम बोलते हैं हम, ट्रैफिक जाम, जाम इंग्लिश में जैम बोलना चाहिए। तो दोस्तों जैम वो तो ट्रैफिक वाला है, म्यूजिक में क्या इसकी मीनिंग होगी? देखिए क्या मैं आपको बता दूँ, कुछ म्यूजिशियन कभी कई बार क्या होता है कि बैठते हैं आपस में और ऐसे ही कुछ कुछ बजाते रहते हैं, जिससे कि वो कुछ म्यूजिक की या तो प्रैक्टिस कर सकें या किसी खास तरह का म्यूजिक बजा सकें, या उनका जो अपना गाना है उसी में कुछ इम्प्रोवाइज उसको कर सकें, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें, इसी को बोलते हैं जैम। जैमिंग, जैमिंग आपने सुना होगा, जैमिंग करके बोलते हैं, लेकिन यार हम लोग बैठ के ना जैमिंग कर रहे थे, यानी जैम कर रहे थे, तो वही इसकी म्यूजिक है दोस्तों, मीनिंग है दोस्तों, मीनिंग आपको बताता हूँ मैं। तो यहाँ मीनिंग है टू इम्प्रोवाइज म्यूजिक, म्यूजिक को सुधारना, मतलब म्यूजिक में सुधार करना, धुन को और अच्छा करना, टू इम्प्रोवाइज म्यूजिक विदाउट एक्सटेंसिव प्रिपरेशंस, बिना किसी बहुत तैयारी की, सब साजिंदे आके बैठे हुए हैं, हाँ इस धुन को अच्छा करना है, ऐसा नहीं, कैजुअली बैठे हुए अपना तीन चार फ्रेंड्स म्यूजिशियन सबको बुला लिया, कॉफ़ी मंगवा ली या जो भी खाना पीना, और बजा रहे सब मस्ती में, इसी में क्या होता है एक कमाल की एक धुन उनको मिल जाती है, या एक खास तरह का म्यूज़िक मिल जाता है। ज़्यादातर म्यूज़िक जो बनाए दोस्तों दुनिया में, और वो भी टॉप क्लास का, वो ऐसे ही बनता है, लोग ऐसे ही कैजुअली बैठे रहते हैं, बजाते रहते हैं, और फिर उनको एक अच्छा म्यूज़िक मिल जाता है या एक अच्छी धुन मिल जाती है। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? सेंटेंस में याद बताए दोस्तों, माइकल वॉज जैमिंग विद अदर म्यूजिशंस। माइकल जैक्सन के बारे में लिखा है मैंने, कि माइकल जैक्सन बैठे हुए थे और दूसरे म्यूजिशियंस के साथ जैमिंग कर रहे थे, और उनको कितने गानों की धुन इस तरीके से मिली। तो दोस्तों ये सच है, अगर आप म्यूजिशियंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये जो सेशन होता है, इस तरीके से जो लोग बैठ के आपस में प्रैक्टिस करते हैं, इसको बोलते हैं जैम सेशन। तो अब जैसे बोल सकते हैं कि माइकल हैड अ जैम सेशन विद अदर म्यूजिशियंस, माइकल ने एक जैम सेशन दूसरे संगीतकारों के साथ मिलकर किया। तो दोस्तों ये मीनिंग। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड है दोस्तों म्यूजिशियन, ये आप देख रहे हैं वर्ड म्यूजिशियन, यहाँ तो प्लूरल में लिखा है मैंने एस लगा के म्यूजिशियंस, लेकिन इसका जो अगर ये बिना एस के होगा या एस के साथ भी हो तो इसका उच्चारण होता है म्यूजिशियन, इसको म्यूजिशियन नहीं बोलना चाहिए। इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, म्यूजिशियन, जादूगर को बोलना चाहिए मजिशियन, इनको मैजिशियन, म्यूजिशियन, टेक्नीशियन, ऐसे बोलना गलत उच्चारण है। मैंने आपको अपने पिछले कई वीडियोज में बताया कि अगर आपको उच्चारण सीखना है तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जहां पर इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे, ये जो म्यूजिशियन वर्ड है, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे आपको, और ये वर्ड्स, प्रोनंसिएशन वाले वर्ड्स, मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में आपको प्रोनंसिएशन के ऊपर वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें अनगिनत रूल्स हैं दोस्तों, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, 150 के आसपास वीडियोज़ हैं जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बनाए उच्चारण के नियमों के ऊपर, मैंने बनाए, आप उन वीडियोज़ को देख करके कमाल का उच्चारण सीख सकते हैं। खैर, तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप इन वर्ड्स को अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करेंगे और टॉप क्लास की इंग्लिश बोलेंगे। ये इंग्लिश बोलने से आपकी इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल साउंड करेगी, कॉस्मोपॉलिटन इंग्लिश आपकी साउंड करेगी, और वही इंग्लिश हमारी साउंड करनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन वर्ड्स को यूज़ कर पाएंगे और अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मैं आपको फिर से इसी तरह के कुछ यूनिक वर्ड्स,
कुछ खास वर्ड्स देने की कोशिश करूँगा जिनको सीखने के बाद आपके लिए अच्छी इंग्लिश बोलना, नॉर्मल इंग्लिश की तो मैं ज़्यादा बात ही नहीं करता, अच्छी इंग्लिश बोलनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश बोलें आप बोल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसा ये टॉपिक है ऐसा ही अगर कोई टॉपिक है या ग्रामर का टॉपिक है या प्रोनंसिएशन का टॉपिक है, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस पर वीडियो बना करके आपको देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।